ठीक है जी। तो पहले देखते हैं एक एग्जाम्पल जिसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी लिखी हुई है। यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी लिखी हुई है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, उनका बोनस कैलकुलेट करना है। तो इस डेटा में कुछ एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी है, हमें उनका बोनस कैलकुलेट करना है जो कि 40% होगा, और टोटल सैलरी एंड बोनस टोटल निकाल के यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो मैं अपने तीन तरह के जो लूप हैं एक्सेल में, वीबीए में, मैं तीनों के थ्रू ये एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो पहला लूप लेते हैं फॉर लूप, ठीक है जी। इसमें हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने, आई आई डिक्लेयर कर दिया। अब फॉर आई 227, आई का जो यूज है, मैं इंटीजर का यूज रोज को आइडेंटिफाई कराने में लगाऊंगा। आइडेंटिफाइड है मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है आई इक्वल टू टू, 227 तक चलाना है। किस लिए, क्योंकि मेरा सेकेंड रो से सेवंथ रो तक चलेगा, तो मैं अपना लूप जो है 227 चलाना चाहता हूँ। तो 227 मैंने दे दिया। देन मैंने एक सेल का फॉर्मूला लगाया, सेल के फॉर्मूला में मैंने आई से जो है रो की पोजीशन ले ली। सेल में आई रो की पोजीशन मैंने आई के थ्रू ले ली, और कॉलम की पोजीशन मैंने मैन्युअली फीड की है। जैसे रो की पोजीशन कोई भी, कॉलम थर्ड, तो कॉलम थर्ड कौन सा है इसमें, ये वाला बोनस वाला। और रो हमारा पहला यही चलेगा 2 से 7 तक, तो ये इसमें वर्क करेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या डलवाया है, सेल सेकेंड कॉलम में जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई हो जाए 0.4 से, बिकॉज 40% हमें सैलरी का निकालना है बोनस। ये क्या करेगा, ये थर्ड रो है हमारी, थर्ड रो में हमें सेकेंड रो का 40% देना है। तो ये थर्ड कॉलम है, एक्चुअली थर्ड कॉलम में हमने सेकेंड कॉलम का 40% देना है। तो हमने ये वैल्यू यहाँ से इसमें एंटर कराई। देन मैंने क्या किया, फोर्थ कॉलम में जो वैल्यू है वो सेकेंड कॉलम प्लस जो इसमें थर्ड कॉलम है, उन दोनों का टोटल आना चाहिए। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का टोटल, यानी इसका और इसका टोटल होना चाहिए। वन सेकेंड। हाँ जी अरुण जी बताइए। हेलो। मेरे को ये पूछना था सर। हेलो हाँ जी सर बताइए। हेलो, हाँ जी सर बताइए। हेलो। नहीं सुजीत जी बोले थे कुछ। हाँ सुजीत जी बोले थे कुछ सीडीज कुरियर करेंगे, तो आए नहीं थे वो। मतलब कुछ भेजे क्या, नहीं पूछा। नहीं वो तो आएंगे जब ही करेंगे ना। नहीं, वो क्या बोले, लाइक हमने अभी लास्ट वीक हम कुरियर सेंड कर रहे हैं, एड्रेस दे दो बोले थे। अच्छा आई जस्ट और क्लास के सभी सीडी देता हूँ बोले, अभी आई जस्ट थॉट टू आस्क। तो आपका यूके में वहां पे सीडी भेजेंगे। एक सेकंड सर, अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्या कह रहे हो। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, और अच्छा लास्ट जो हमने क्लासेस अटेंड किए थे एक्सेल क्लास, अच्छा ही सेड अच्छा ही विल डू द सीडी फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ दोस थिंग्स। सीडी कंटेंस रिकॉर्डिंग ऑफ दोस क्लासेस, ही विल बी सेंडिंग दोस। तो सर वो जब वापस आएंगे तभी कर पाएंगे ओके, व्हेन ही विल बी कमिंग बैक। ना। 21 मई, या नो इशू, या डन। ठीक है जी। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या किया, अपने थर्ड कॉलम में जो वैल्यू है हमने इसका 40% लिया, ठीक है जी। सेकेंड कॉलम का 40% लिया, क्विक रिव्यू देखते हैं। एंड फोर्थ कॉलम में हमने सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम का प्लस करा दिया। देन नेक्स्ट
आई, नेक्स्ट आई का मतलब है आई में एक का इंक्रीमेंट, इन दो स्टेटमेंट के चलने के बाद। तो एक बार हम इसको स्टेप्स में चला के देख लेते हैं, ठीक है। मैंने अपडेट किया, लूप इनिशिएट हुआ, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो फर्स्ट में बोनस कैलकुलेट होके आ गया। सेकंड लाइन इनिशिएट हुई, सेकंड में टोटल आ गया। देन अगेन ये दूसरी लाइन पे गया, बोनस कैलकुलेट होके आया, देन सैलरी कैलकुलेट। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता है। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर वाला विंडो जो है मिनिमाइज कर लीजिए तो दोनों एक साथ चलेगा, दिखाई देगा जो कोडिंग वाला विंडो। तो ये कोड भी तो दिखना चाहिए। चलिए मैं इसको सेट कर देता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे दोबारा से मैं स्टेप इनटू करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में गया, फिर सेकंड लाइन एग्जीक्यूट हुई। इस तरह से ये कैलकुलेट करता हुआ आ गया, और लास्ट में जब ये चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि 7 पूरी हो गई। हम यहाँ पे अगर माउस ले जाएंगे तो हमें एग्जिस्टिंग पोजीशन पता पड़ जाएगी। तो इस नेक्स्ट के एग्जीक्यूट होते ही आई जो है मतलब 7 तक पोजीशन ले चुका है, जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे वो 8 ले जाएगा, 8 की पोजीशन ले गया, तो 2 से 7 तक ही चलाना है। तो ये एंड हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल को देखते हैं कि इसको वाइल लूप से कैसे करेंगे। इसमें क्या हुआ कि 2 से 7 तक हमने दे दी पोजीशन, ये चलता रहा। 4 में क्या है, वाइल जो है हमारा बेसिक लूप है, 4 एडवांस लूप है, वाइल बेसिक लूप है। तो बेसिक इसमें क्या करता है, ये हमने डिक्लेरेशन किया, जैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन किया था, पर ये जो वैल्यू हमने आई को इक्वल टू 2 दी है वो हमें पहले देनी होती है यहाँ पे, ठीक है जी। क्योंकि ये डिक्लेरेशन के बाद वैल्यू असाइनमेंट और उसका इंक्रीमेंट कहाँ तक चलना है वो इसमें पहली ही लाइन में डिक्लेयर हो जाता है। बट वाइल के केस में क्या होता है, ये कंडीशन के बेस पे चलता है। जब तक ये कंडीशन इसे ट्रू रिटर्न करेगी तब तक ये स्टेटमेंट चलाता रहेगा, और जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगी, ये लॉजिकल कंडीशन है, जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगी वैसे ही ये बंद हो जाएगा। देखिए फॉर में क्या होता है कि अपना 2 से 7 तक चला दिया, वाइल में क्या हुआ एक कंडीशन चेक करी, जब तक उसका रिजल्ट ट्रू है तब तक चलाएगा। अंटिल में क्या होता है कि जैसे जब तक कंडीशन फॉल्स है तब तक चलाएगा, ट्रू होते ही बाहर आ जाएगा, और ये फॉल्स होते ही बाहर आ जाता है। सर ये डू वाइल जो है, हाँ आपने जो सेम साइन क्या बोले, लेस देन इक्वल टू 0 क्या बोले इसको, लेस देन इक्वल टू, हाउ डू यू वांट टू स्पेल इट, इसको नॉट इक्वल टू कहेंगे। हमने एक्सेल में भी यूज किया है सर ये फंक्शन। हाँ हाँ मालूम है, आई एम जस्ट फॉरगॉटन दैट वर्ड, नॉट इक्वल टू 0, ओके, नॉट इक्वल टू दैट मींस ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन, हाँ वो भी है। जब तक आप ट्रू रिटर्न करवाना चाहते हैं ना इससे, देखिए कंडीशन कोई भी हो, ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करती रहेगी, ओके, ठीक है जी। अंटिल में लूप कब तक चलेगा, जब तक सिचुएशन आपको फॉल्स रिटर्न करती रहेगी, ठीक है जी। व्हाइल में जैसे ही फॉल्स हुआ बाहर, अपोजिट, यस एग्जैक्टली अपोजिट, करेक्ट। तो ये 3 लूप इस तरह से काम करते हैं। बस इसमें क्या है कि फॉर में 2 to 7 इंक्रीमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर ये वाइल और एंटिल में हमें इंक्रीमेंट के लिए देना पड़ता है कि हर एक में प्लस हो जाए।
जैसे आई की वैल्यू नेक्स्ट आई से बढ़ जा रही है। हाँ, एक मिनट एडजस्ट फॉर फाइनल। अभी बोले तो हमने रो नंबर एट पे हमारा वैल्यू नहीं है, राइट? यस। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, समझिए, हम समझो हम इन बिटवीन रो इंक्रीज कर देते, देन इट डायनेमिक फंक्शन होता रहेगा। करेक्ट करेक्ट सर, करेक्ट। ऐसा कर सकते हैं क्या? जो हमने एट पे नहीं किया, समझो टेन पे किया, इलेवन पे किया, देन वी गिवन द ब्लैंक, देन आप कहीं भी देखिए वाइल में कहीं भी जहां इसे ब्लैंक मिल जाएगा वहां स्टॉप हो जाएगा। ओके, ब्लैंक नहीं आना चाहिए। हाँ जी, ये हम तो वाइल का हम जनरली यूज इसी तरह से करते हैं कि डेटा में दे दिया, जैसे ही ब्रेक आया वैसे वो स्टॉप कर गया। ठीक है जी, दैट मींस आई इक्वल टू जीरो आ गया तो स्टॉप हो जाएगा। हाँ जी, आई इक्वल टू जीरो या ब्लैंक आ जाए कुछ भी। ओके, दैट मींस कोई वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, इंटीजर नहीं आना चाहिए उसमें, कोई मतलब उसमें वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके, समझो अल्फाबेट डाले तो नहीं आएगा। देखिए ये बेसिकली आई पे डिपेंडेंट नहीं है, फॉर जो लूप है वो आई पे डिपेंडेंट है। हाँ, ये हमारा इस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, ये जो हमने जो ये कंडीशन दी है ना, ये आई से रिलेटेड भी हो सकती है और आई से रिलेटेड नहीं भी हो सकती। दैट मींस अभी ये कब तक चलेगा? रो नंबर ए सेवन तक चलेगा, रो नंबर एट पे नहीं चलेगा वो। हाँ, आप इसको भी हम देख लेते हैं, देखिए स्टेप इनटू करते हैं कि ये लूप कैसे चलता है। आए हम आई में दो की वैल्यू गई, अब इसने क्या चेक किया यहाँ कंडीशन कि हमारी फर्स्ट सेल ब्लैंक है कि नहीं। फर्स्ट सेल बोले तो कौन सा है? अब देखिए सेल आपका क्या रिटर्न कर रहा है, आई की वैल्यू दो गई तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कौन सा है? सैलरी वाला, ये वाला बी टू। हाँ, ठीक है जी, तो बी टू इक्वल टू ब्लैंक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक है। हाँ, तो ये हमारा चलेगा क्योंकि कंडीशन ने हमें ट्रू रिटर्न किया। ठीक है, ये आ गया। अब आई की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे तीन आ गई, दो से तीन बदल गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब इसमें जो है थर्ड रो ये वाली डी थ्री। ओके, तो ये इस तरह से ये चलता रहा। नहीं, ओके, थर्ड रो सेकंड कॉलम तक आ गया, समझिए। अभी अभी अब यहाँ एट रो पे, अब यहाँ पे देखे 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 यहाँ पे देखे, अब जब हमने आई का इंक्रीमेंट कर दिया, अब आई में आ गई एट वैल्यू, अब एट रो एंड सेकंड कॉलम मींस ये वाली। अब क्या ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक है? क्या रिटर्न करेगा ये हमें ये कंडीशन? नॉट इक्वल टू, हाँ, फॉल्स रिटर्न कर देगा, जीरो नहीं है, फॉल्स रिटर्न कर देगा ना ये जीरो। okay, पे मत इसमें कुछ अल्फाबेट डालिए, अल्फाबेट डालिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको उस पे मत जाइए, ये ब्लैंक का मतलब ही अल्फाबेट्स डील कर रहे हैं हम। ओके, या ओके, हमें आई से मतलब नहीं, हमें सेल से मतलब है, क्योंकि मैंने क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि सेल नॉट इक्वल टू यू। हाँ, दैट मींस रो हैज टू बी नंबर्ड, मींस रो में आई में रो होना नंबर होना चाहिए, मतलब आई में तो नंबर है ही डेफिनेटली, बट कंडीशन किस पे चल रही है? इसके ऊपर चल रही है, सेल के ऊपर। सेल क्या रिटर्न कर रहा है? उसके ऊपर सेल की वैल्यू इवैल्यूएट कराने के लिए हर बार डॉट वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए इसमें हाँ, सर, अभी आई के एक मिनट, अभी आई रो एट रो पे क्या है? कुछ भी वैल्यू नहीं है, राइट? हाँ हाँ, तो अब मैं इसको दैट मींस नेक्स्ट करता हूँ, ऐसे यहाँ गया, अब इसको मिल जाएगा फॉल्स और ये बाहर आ जाएगा।
ठीक है जी। हाँ दैट मीन्स आई पे कुछ भी वैल्यू नहीं है, आई विल बिकम लाइक जीरो। नहीं आई में वैल्यू है सर, आई में 8 वैल्यू थी, लास्ट आप चेक करेंगे तो आई में 8 वैल्यू है। ओके टू में क्या है? टू में टू ही है, टू तो सिंपल है। प्रॉब्लम मैं आप ऐसे मत कंफ्यूज होइए, अगर मैं इसको कर दूं वैल्यू तो इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स कि इस सेल में जो वैल्यू है, नॉट आई में जो वैल्यू है, हाँ इस सेल का मतलब है बी एट की बात कर रहा हूँ मैं, खाली आई की बात नहीं कर रहा, बी एट की बात कर रहा हूँ। हाँ वही बी एट, आई एम नॉट यस बी एट। हाँ तो बी एट में जो है हमारा ब्लैंक है, ब्लैंक है ना, तो नॉट इक्वल टू ब्लैंक क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, तो फॉल्स पे ये लूप बाहर आ जाएगा। हाँ ओके चलो ठीक है जी। तो ये आपका एक प्रोग्राम ये खत्म हुआ हमारा वाइल के साथ। वाइल समझ में आया किस तरह से वर्क कर रहा है? हाँ वाइल एक कंडीशन के बेस पे वर्क करता है, जब तक उसको ट्रू मिलता है ये चलता है, जैसे ही फॉल्स मिलता है वो रुक जाता है। ओके द बोथ डू वाइल एंड अंटिल द बेस्ड ऑन द सेल वैल्यू रादर देन द गिविंग द नंबर्स बेस्ड ऑन द एक्चुअली द कंडीशन नॉट द सेल वैल्यू। कंडीशन कैन बी एनीथिंग, either it can be your cell value. See, you are defining the contents of cell. So if you define the what the value of the cell, then it depends on that. What is the value क्या है? I want to draw your attention to this keyword only, these conditions, because this system, this I is called as variable. Variable has some different work scope. So it nothing to do with your cells. या करेक्ट सर, अभी आपने हाँ लूप होके घूम के आई पे 8 आ गया। ओके यस यस, एट थ्रो सेकंड कॉलम में कुछ नहीं था, दैट मींस यू हैव डिफाइंड दैट सेल में कुछ रहना चाहिए और नहीं है तो बाहर आ गया। हाँ अभी क्या है कि मान लीजिए यहाँ तो फॉर लूप में मुझे पता था कि 2 से 7 तक वैल्यू है, 2 से 7 तक मैंने देख लिया। सपोज किसी और ने कोई शीट भेज दी यही डाटा के साथ, कितने एम्प्लॉई है मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं ये प्रोसीजर लगाऊंगा जिसमें ये डायनेमिकली गेट करेगा कि भैया कहाँ तक, कहाँ पे ब्लैंक है, कहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है जी, तब तक चलाएगा। नहीं तो हम कभी भी क्या होता एक एक्सेल में ऑटो जहाँ एक सम का फंक्शन है, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, बीच में ब्लैंक हुआ तो भी वो इग्नोर करके टोटल सम कर देगा वो, राइट? आई एम नॉट रिकॉलिंग दैट फंक्शन नेम। ब्लैंक हुआ तो वो तो हर कोई सम कर देगा, आप एरर कहना चाह रहे हैं शायद। नहीं नहीं सर, क्या होगा समझो, अभी 1 to 10 रोज में 2 रो पे ब्लैंक वैल्यू से बाकी सेल्स में नंबर्स रहेंगे, तो मतलब फिर भी हम एडिशन यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूं, बीच में ब्लैंक कर देता हूँ, इस तरह से कह रहे हैं अभी आप? हाँ हाँ यस एग्जैक्टली। अभी मैं सम फंक्शन लगाऊं, इसमें कुछ फंक्शन है और ये ऐसे सिलेक्ट कर लूं, यही चाह रहे हैं तो? हाँ, यस ऑटो सम भी है मगर अदर आई थिंक आई फॉरगॉटन द ऑटो सम भी है मालूम है मगर आप ऐसे हमको ड्रैग करना पड़ता, राइट? ओके ऐसे डायनामिक इसको फंक्शन नहीं कर सकते डायनेमिक? अभी जो अभी माइक्रो डायनेमिक ही है, मैंने जो लगाए हैं वो डायनेमिक है, इसमें तो हमने रेंज दिया। नहीं, नहीं, अभी जो आपने मैक्रो लगाया हाँ जी, हाँ इसमें ब्लैंक जो आया है तो भी ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, एक मिनट देन वी कैन गिव दैट लास्ट आपने जो जो दिया था मैक्रो का एग्जांपल 64,000 डाउन एरो ऐसा कुछ कर सकते हैं इसको? करेक्ट, ब्लैंक हो तो भी इसको इग्नोर करो, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्या करूंगा, देखिए इसको डायनेमिक करना है, पहले आप इसकी फंक्शनैलिटी समझ गए तो मैं आगे बढ़ूंगा उसके बाद। हाँ डन 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 डन, ठीक है जी। अंटिल में क्या होता है मैं एक बार फिर बता देता हूँ, अंटिल में जब तक कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तब तक चलेगा, जब तक इसे जो है ब्लैंक, जब तक इसे जो है ब्लैंक नहीं मिलेगा तब तक ये चलाता रहेगा।
ठीक है जी, यानी कि ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी वैसे ही भाग लेगा ये, ठीक है जी। अब आते हैं इसको डायनेमिक करने के लिए, फोर को हमने डायनेमिक करना है। देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी डायनेमिक है, आपने एक ये लगा दिया, पर इसमें यह था कि अगर बीच में ब्लैंक आ गया तो क्या करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फोर में चेंजेस करते हैं थोड़ा सा। इसको मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसमें देख, माई फॉर लूप टू। अब जब मैं इसको थोड़ा सा डायनेमिक कर देता हूँ, देखिए टू तो मैं पहले से ले रहा हूँ, टू को रहने दीजिए, नीचे के हमें चाहिए, हमें ऊपर की पता है कि कहाँ तक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सेवन जो है हमें ऑटोमेटिकली गेट करना है, तो यहाँ पे लगेगा हमारा रेंज, इसमें कर देंगे हम बी 6500 दे दिया डॉट एंड एक्सेल अप। एक्सेल अप में क्या करना है, डॉट रो, ठीक है जी। आप, नहीं, वो नहीं, क्या तो आप डालते थे वन रो कंक्रेनेट, क्या कौन सा फंक्शन था ना, वन लेस वो ऑफसेट था सर, कंक्रेनेट क्या, तो बट इस हाँ फंक्शन, वही वही। इस फंक्शन का बेस समझ लीजिए मैंने ये क्यों डाला। पहले ये देख लेते हैं चल भी रहा है कि नहीं, ठीक है जी। सपोज यहाँ सैलरी है, तो अगर ये इसको कर गया तो समझ लीजिए सही चल रहा है, अदरवाइज गड़बड़ है। इसको प्ले करते हैं, चल गया सर, ठीक है सर। दिखाए एंड अप और डॉट रो क्यों, वो रो क्यों डाले आप वो, डॉट रो जो होता है, रो जो फंक्शन होता है, इसमें ड्रॉ प्रॉपर्टी जो होता है, ये हमें रो नंबर गेट करता है, जो यहाँ का रो ओके नंबर था वो गेट कर दिया, तो तो इसने 2 से लेकर 9 तक चला दिया। अगर मैं यहाँ पे भी कहीं भी वैल्यू डाल देता तो ये क्या करता। अब देखिए बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है इसकी, पहले ये गया 6500 पे, मैंने कहा बी 6500 पे जाइए, यहाँ गया बी 6500 पे, फिर मैंने एंड प्रेस किया या कहेंगे कंट्रोल अप प्रेस किया, कंट्रोल अप प्रेस किया एंड एक्सेल अप, और इसका जो है रो नंबर निकाल लिया, रो नंबर मतलब रो का फंक्शन लगा दिया, तो ये यहां तक चलेगा, ये नंबर मुझे यहां तक, यहां से मिल गया इसको, ओके करेक्ट है सर। राइट। अब देखिए अगर इसको मैं चलाता हूं, यहां भी देखिए, तो ऐसे हम इसको डायनेमिक कर सकते हैं। आई थिंक लूप्स में कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कुछ भी। चलिए कुछ और चल, अब देखिए मैं एक रियल टाइप ऑफ एग्जांपल दिखाता हूं। यहां पे क्या है, मेरा जो ये डेटा है मैं इसको कहीं और रख लेता हूँ, मान लीजिए यहां रख लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको 10 बार कॉपी करना है। मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसमें एक लाइन छोड़ के इसको यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, फिर इसमें एक लाइन छोड़ के यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ, इस तरह से मैं इस डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और मैं चाहता हूँ कि ये डेटा डायनेमिक ले भी अपने आप, ठीक है सर।
पहले तो मैं आपको कॉपी कैसे कराना है वो दिखाता हूँ, देन उसको बताऊंगा कि डायनेमिक कैसे करें। मैं यहाँ पे एक प्रोसीजर बनाता हूँ, सब कॉपी प्रॉक करके मैंने प्रोसीजर बनाया। एक बेसिक सा एक और एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी सर बताइए। जब हमने जब पहले कंप्यूटर कंप्यूटर स्टार्ट किया था सीखने के लिए, वो बोलते थे कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज 0 एंड 1, आप जो भी लिखो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू 0 एंड 1, करेक्ट है सर, राइट? एंड करेक्ट अभी भी हम जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं ये सब कर रहे हैं, द कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड इन 0 एंड 1, यस। एंड हु इज टेलिंग टू बैक एंड ए 0 हो रहा है 1 हो रहा, बिटवीन एक्सेल एंड कंप्यूटर देर इज अनदर सॉफ्टवेयर, यस दैट इज कॉल्ड कंपाइलर विच ट्रांसफर सो योर। यस यस ईच यस लैंग्वेज हैज इट्स ओन कंपाइलर। यस मैं आपको बताता हूँ। देखिए जावा टेक्नोलॉजी इतनी फेमस क्यों हुई? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जावा का कंपाइलर क्या करता है कि किसी जो बेसिक होता है हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है, पर बीच में हमारा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज 7 हो गया या काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे, मैकिंटोश हो गए, लिनक्स हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर देयर टू इंटरैक्ट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। अब सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के बीच, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम बैठे हुए हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या होता है, उसकी एक अपनी लैंग्वेज है, क्योंकि अलग अलग यूजर्स ने डेवलप किया है तो अलग अलग तरह के कोड बनाते हैं, अलग अलग तरह के कोड्स बनाते हैं। तो जो कोड की कंपैटिबिलिटी है वो सिर्फ जावा ही हर एक सिस्टम की समझ पाता है। जावा सिंगल लैंग्वेज है जो हर एक लैंग्वेज, हर एक मशीन, हर एक सॉफ्टवेयर की मशीन लैंग्वेज समझता है और उस कोड को हार्डवेयर को तक पहुंचाता है। मतलब मैक की हो तो जावा का कंपाइलर मैक की लैंग्वेज में देगा उसे। कंपाइलर है मतलब एक ऐसा इंटरप्रेटर जिसको सारी लैंग्वेज आती है और हर एक आदमी को समझा देता है कि मैंने ये इस कोड का मतलब क्या है। ठीक है जी। जावा इज अ कंपाइलर, जावा इज अ लैंग्वेज, बट जो लैंग्वेज जो है विदाउट कंपाइलर के नहीं चलती है। लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो गूगल पे जा सकते हैं एंड व्हाट इज कंपाइलर के बारे में जान सकते हैं। तो हर एक का कंपाइलर क्या करता है ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, कंपाइलर के बारे में। ये देखिए आर्किटेक्चर भी है यहाँ पे विकिपीडिया में दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, ये मेरे ख्याल से बेटर एग्जांपल है समझाने के लिए। अब देखिए जो हम कर रहे हैं वो सोर्स कोड है, सोर्स कोड है, फ्रंट एंड कंपाइलर फॉर लैंग्वेज 1, देन ये लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 का एक डिफरेंट कंपाइलर है, फिर इनका एक और कंपाइलर है, मतलब इन्होंने किसी चीज में ट्रांसफॉर्म किया और इन्होंने फिर एक में कम किया, तो यहाँ पे ये जाके इक्वल हो गया, फिर ये अलग सिस्टम को दे दिया, इसने अलग सिस्टम को दे दिया। ठीक है जी। तो बेसिकली एक ही इंटरप्रेटर नहीं है, बहुत सारे इंटरप्रेटर बीच में आ रहे हैं। ये जो सिस्टम है जहां दो लैंग्वेज की बात हो रही है ये आपका सिस्टम फॉलो किया जाता है .NET में, पर जावा का कंपाइलर क्या करता है, जावा एक ही लैंग्वेज है यानी यही लैंग्वेज है और ये डायरेक्टली इधर आती है और डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स में ट्रांसफर कर सकती है। मतलब जावा का जो सोर्स कोड है वो एक कंपाइलर के थ्रू मैक्सिमम ऑफ मशीन्स में चला जाता है, मैक्सिमम ऑफ मशीन्स लैंग्वेज में चला जाता है। पर .NET का क्या है, .NET मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और हर एक के लिए एक सेपरेट सेकेंड कंपाइलर है, देन उनका सेकेंड कंपाइलर एक दूसरे कंपाइलर में चेंज करता है, देन वो कंपाइलर अलग अलग मशीन्स में ट्रांसफर करता है। दैट्स व्हाई जावा इज पॉपुलर,
.NET इज पॉपुलर वाई बिकॉज इट इज सपोर्टिंग मल्टी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्रामर हो वो .NET पे वर्क कर सकता है। ठीक है जी, आप देखेंगे कि जावा सबसे पहले आपके पहले सी चलती थी, सी जो है बहुत ही हार्ड लैंग्वेज है। हाँ, उसके बाद सी के अंदर जो प्रोग्राम होते थे जैसे कैलकुलेटर वगैरह हमारे, ये सब सी के थ्रू ही बने हुए, सी के प्रोग्राम से हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है सी के प्रोग्राम में चलती थी। इस जैसे आपकी टीवी भी होती थी तो उसमें भी कहीं सी के प्रोग्राम होते थे, जैसे आप बटन प्रेस करते थे, चैनल चेंज करते थे, तो वो सी के प्रोग्राम्स होते थे जो हर बार फ्रीक्वेंसी चेंज करते। देन कुछ टेक्नोलॉजी बदली तो आई जावा, टीवी के अंदर भी जावा बिल्ट होने लगी, मतलब एम्बेडेड कोड में, मशीन लैंग्वेज में। 01 01 का मतलब कुछ नहीं होता, ऑन ऑफ होता है बस। तो वो जावा टीवीज में आई, फिर मोबाइल में अंदर गई, मोबाइल के अंदर आई, फिर जावा से इनहेरिटेड है हमारा, जावा से इनहेरिटेड है हमारा एंड्रॉइड, जो वाइडली सबसे ज्यादा फेमस हो गया। ठीक है जी, एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी का राज यही है कि वो जावा से इनहेरिटेड है। ओके राइट, ओके ठीक है सर। तो हम अपना नेक्स्ट कॉपी वाला प्रोग्राम बना रहे थे। ठीक है जी, इसमें क्या करता हूं मैं कि सबसे पहले सिंपल ये ले लेता हूं रेंज, यहां पे लिख लेता हूं A1 to D7, ये फुल रेंज है। डॉट कॉपी किया मैंने, रेंज A1 to D7, अच्छा ये कॉमास में आती है। ठीक है जी, मतलब ये जो रेंज है पहले उसको कॉपी करें, देन क्या करें, रेंज A 65,000 पे गया मैं, 6500 पे ही गया मान लीजिए। डॉट एंड, ये एंड एक्सेल अप डाउन राइट लेफ्ट हम यूज करते ही रहेंगे। ऊपर आया लास्ट पे, देन ऑफसेट, अब 0 है 1 2, मतलब यहां पे 0 हो गया, 1 नीचे उठ रहा, 2 यहां पे एक लाइन छोड़ के उसी कॉलम में डॉट पेस्ट स्पेशल, मतलब पेस्ट कर दें। ठीक है जी, अब इसको डाल देते हैं लूप के अंदर, फॉर 1 to i = 1 to 10, और इधर कर देते हैं नेक्स्ट आई, ये क्या करेगा 10 बार कॉपी कर देगा। देखते हैं, इसको प्ले करते हैं, ये 10 बार कॉपी हो गया आपका। ठीक है जी, नहीं मेरे को ये करना है, मैं सीरियली कॉपी नहीं करना चाहता। सीरियली कभी कभी क्या होता, आई एम नॉट बी एबल टू डिसाइड कहाँ पेस्ट होना है। नहीं नहीं, मैंने क्या किया कि नीचे एक लाइन छोड़ के जहां मैंने बोला वहां कर दिया मैंने। अब मान लीजिए मैं चाह रहा हूं कि 2 लाइन छोड़ के करूं। हाँ ठीक है जी, 2 लाइन छोड़ के करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो ऑफसेट में एक और बढ़ा देता हूं। देखिए एंड ने क्या किया, वो 6500 पे गया, ऊपर आया 1 2, एक लाइन छूट गई। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो ये क्या करेगा, एक और नीचे आ जाएगा, मतलब यहां से 2 लाइन छोड़ के करने लगेगा। जैसे ही प्ले करता हूँ ये 2 2 लाइन का गैप दिखा देगा मुझे, ये देखिए। ठीक है जी, ओके अब आप चाहते हैं कि कितनी बार कॉपी होना है ये आपसे ले, आपसे पूछ के करें। ठीक है जी,
कैसे करेंगे, क्या चेंज करूंगा बताइए इसमें। डिम जे एज इंटीजर, ठीक है जी, एक इंटीजर डिक्लेयर कर लिया और जे में मैंने वैल्यू क्या दी दी, मैंने कहा इनपुट बॉक्स से वैल्यू दी, इनपुट इनपुट बॉक्स होता है थी, इनपुट एंटर नंबर ऑफ टाइम्स टू बी कॉपीड। अब जे के अंदर वो वैल्यू आ गई जो मैंने दी 5 बार 10 बार, मैंने जे दे दिया यहाँ पे फॉर 1 2 जितने बार भी चलना है, ठीक है जी। अब क्या करता हूं मैं इसमें ले जाता हूं, अब मैं ये मैक्रो चलाता हूं, मैक्रो वाई फॉर लूप टू कॉपी प्रोक रन। अब यहां पे मैंने कहा कि 3 बार कर दो, तो ये 3 बार कर दिया इसने। अब देखिए एक चीज और कर रहा हूं मैं, ये जो लाइन गैप है इसको भी ऑटोमेट कर सकता हूं मैं, इसकी भी वैल्यू डलवा सकता हूं। जे के साथ आप एक और ले लीजिए के, और वही इनपुट बॉक्स दोबारा ले लीजिए, यहां पे मैं के ले लूंगा और इसमें कहूंगा एंटर द रो डिफरेंस, ठीक है जी। अब रो डिफरेंस में मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं 3 डाल रहा हूं तो ये 2 छोड़ रहा है, 3 डाल रहा हूं तो ये 2 छोड़ रहा है, तो मुझे क्या करना है के प्लस 1, ठीक है ना। मतलब अगर मैं चाहता हूं 2 चाहिए तो एक्चुअली यहां पे 3 चाहिए, 3 लिखा होना चाहिए ऑफसेट में। अब इस मैक्रो को देखते हैं, अब मैं करूंगा ये मैक्रो मैंने चलाया कॉपी प्रॉक, पहले बोला कि कितने बार कॉपी करो, मैंने कहा 2 बार कर दो, और कितने का गैप दे दो, मैंने कहा 5 रोज का गैप दे दो, ये 2 बार हुआ, 5 रोज का गैप था, ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन हो तो इसमें सर, इसमें आपने के प्लस 1 किया था, के प्लस 1 के प्लस 1 बिकॉज तो चलता था ना, के प्लस 1 क्यों कि क्योंकि अगर मैं वहां पे 5 डाल रहा हूं, ठीक है जी, तो क्या कर रहा है मेरा एंड, जो मैं यहाँ पे आया ऑफसेट पे और यहाँ पे आ गया, अब मैं अगर इसमें मैंने कहा कि मुझे 5 रो का डिफरेंस चाहिए, तो इसमें कितने का आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 का आ रहा है, तो 0 पे ये होता है 1 2 3 4 5, एक्चुअली 5 का डिफरेंस तब हो रहा है प्लस 1, क्योंकि ये उसी रो इसी पे कर देता है ना जब हम यहां पे आए। अब यहां से नीचे उतरना शुरू करते हैं, देखिए मैंने 5 डाला था वहां पे, तो 1 2 3 4 5, अब ये यहां पे पेस्ट कर देता, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 2 3 4, 4 का ही तो डिफरेंस हुआ, तो प्लस 1 चाहिए ना, ठीक है सर। हाँ जी आपका म्यूट हो गया है सिस्टम, आगे से आगे लेट्स गो, ठीक है सर। तो ये लूप सर आज के लिए इतना ही, आगे के फिर हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है सर।
ठीक है सर, आई थिंक ठीक लूप है का कॉन्सेप्ट आपको सर, क्लियर हो चुका है अब तक। हाँ सर ये आप थोड़ा मेल कर दीजिए प्लस। हाँ ये मैं मेल कर देता हूँ, फाइल जो है लूप फाइनल। तो इन बिटवीन में जो हमने सीखा है सर, हमने इफ एल्स के कॉन्सेप्ट सीखे हैं, केस स्टेटमेंट सीखी है, सिलेक्ट केस कैसे वर्क करते हैं, और तीन तरह के लूप सीखे हैं हमने, ठीक है, फॉर व्हाइल एंड अनटिल, ठीक है सर। चलिए फिर आज के लिए विदा लेते हैं। ओके सर, थैंक यू, ओके, थैंक यू।